हेलो, नमस्कार दोस्तों। 13 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज आर्टिकल यहाँ पे आया है वो एक्चुअली ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसको लेके आया है कि उनके दोनों के बीच, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप वहां से है और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, उनके बीच में अभी बातचीत हुई है। समिट जो बातें की गई हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है। तो देखो, इस आर्टिकल में दो चार पॉइंट्स हैं, वो आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई चल क्या रहा है फिलहाल। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अब तक ये सबसे बड़ी एक हिस्टोरिक डील है जिसको देखा जाए तो पता, पहले तो ऐसे संभावना की जा रही थी कि यार ये डील सक्सेसफुल वगैरह नहीं होगी, बट अब दोनों के बीच में काफी सहमति हो गई है। बट अभी तक सब कुछ क्लियर तो नहीं हुआ है कि भाई कब तक वो वेपन वगैरह खत्म कर देंगे, बट देखा जाए तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में शांति स्थापित होगी। और इसका एक बेनिफिट ये होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वजह से जो कोरियन पेनिनसुला है पूरा, उसमें शांति स्थापित होगी। और इसी के साथ साथ चाइना को भी इसका काफी हद तक फायदा है होने वाला है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई चाइना को कैसे बेनिफिट होगा। देखो, साउथ कोरिया के अंदर जो डिफेंस सिस्टम था वो एक्चुअली यूएसए के द्वारा लगाए गए थे, बट अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो इश्यूज थे उनको भी खत्म किया गया है। आपको पता है कि जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे इस दौरान दोनों ने शांति स्थापित की थी। और इसके बेनिफिट ये हुआ भी कि ट्रंप ने कहा है कि भाई हम साउथ कोरिया में जो डिफेंस सिस्टम है उनको हटा लेंगे। तो सीधी सीधी बात ये होगी कि चाइना भी यही चाहता था कि साउथ कोरिया से डिफेंस सिस्टम को हटाए जाएं, तो और चाइना को भी इससे बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ ही इसमें आगे जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि सिंगापुर की जो मीटिंग थी वो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक डील रही है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सिंगापुर का कौन सा आइलैंड है जहाँ पे ये मीटिंग वो की गई है, उसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप उसको एक बार मैप में जरूर देखिएगा। अदरवाइज हम कल के मैप में इसको आगे डिस्कशन वो करने वाले हैं। ये हाँ, जो आर्टिकल है ये एक्चुअली सीरिया और रशिया के बारे में बताया गया कि सीरिया और रशिया के बीच में किस तरीके से गेम वगैरह चल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे एक एथिकल केस के फॉर्म में डिस्कस किया गया है कि तमिलनाडु में जो ऑर्गन प्लांट का जो इश्यूज अभी चल रहा है उसके बारे में, तो इसे भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद ये जो आर्टिकल है इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा आर्टिकल है। इसमें एक्चुअली प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो पहुंचा रहा है। इसके साथ आज आपको पता है बुधवार है, तो वेडनेसडे के दिन यहाँ पे जो आर्टिकल प्रकाशित किया जाता है मेरी इंटरव्यू होता है, तो ये जो आज का आर्टिकल है ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके साथ है वो किया गया है। तो मैंने इसमें काफी सारे पॉलिटिकल पॉइंट है, बट इसमें एक दो बातें ये बताई गई हैं कि भाई एजुकेशन को लेकर जो नई गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की बातें की जा रही है यहाँ पे, कि उन्होंने काफी सारे स्टेप उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वो काफी ज्यादा चलाए हैं जिससे काफी हद तक बेनिफिट होने वाला है। बाकी तो सारे पॉइंट्स इनके ऐसे डिस्कस किए गए हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसे किया था और हम नई जो गवर्नमेंट है बीजेपी वो इस तरीके से काम वगैरह कर रही है, तो वो सारे पॉइंट्स तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। बट इनका मेन ये कहना है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी हद तक चलाए हैं, इसके साथ एक टीचर्स की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करने के लिए और भी सारे मैकेनिज्म है उनका यूज हम कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ पॉइंट है वो बताए गए हैं। तो इस तरीके के आर्टिकल, ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये मेनली एशिया के बारे में, तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि इंडियन और जो बाकी एशिया का जो माहौल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, मेनली एससीओ के बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कह रहे हैं प्लास्टिक रिसाइकल के बारे में। तो इस आर्टिकल में देखो, थोड़ा स्टार्टिंग में इस तरीके से शुरुआत की गई है कि हर साल देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 16 लाख टन प्लास्टिक है वो जनरेट किया जाता है। अगर उस प्लास्टिक को हम इंटरनेशनल मार्केट पे या ग्लोबल लेवल पे बेचें तो हमें नहीं करते भी 5,600 करोड़ का बेनिफिट हो सकता है, मतलब इतने करोड़ रुपए का प्लास्टिक हम हर साल जनरेट है वो करते हैं। स्टार्टिंग में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि देखो, प्लास्टिक है वो आप सब लोग जानते हो कि काफी लंबे टाइम बाद एक तरीके से डिकम्पोज होता है, मतलब प्लास्टिक को एक तरीके से डिकम्पोज करने के लिए बहुत टाइम है वो लगता है। इवन देखा जाए तो काफी पुराने जो प्लास्टिक हैं 100-200-300 साल पहले के, वो प्लास्टिक भी अभी तक खत्म हो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि देखो, आज के टाइम पे ओशंस में भी कचरा लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ सोइल में भी आपको पता है प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक की बोतल वगैरह बढ़ रही है, इसके साथ ही ये सारी चीजें हैं। और जो माइक्रोन्स हैं वो भी हमारी फूड चेन में इंटर जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आपको पता है कि फूड चेन में फिश के थ्रू वगैरह इंटर करता है और वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी नुकसान है वो पहुंचाता है। तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि देखो, हमें प्लास्टिक को यूज है वो सबसे बड़ी बात है उसे कम करना होगा, मतलब प्लास्टिक का यूज करना होगा। इसके साथ जो प्लास्टिक जनरेट किया गया है ना उसको हमें रिसाइकिल करना होगा। अभी देखो हो क्या रहा है कि लोग जो पुराने प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट की एक तो प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं होता है। तो राइटर का कहना है कि भाई गवर्नमेंट को एक तो प्रॉपर पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए, इसके साथ ही ही यूज पे फोकस करना चाहिए कि भाई एक बार प्लास्टिक बैग ले लिया तो उस प्लास्टिक बैग को रीयूज है वो किया जाए, ताकि जो प्लास्टिक है उसको जनरेट, मतलब नए प्लास्टिक को जनरेट होने से रोका जा सके। फिर यहाँ पे राइटर है वो बता दें कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 उसकी बात की जा रही है कि देखो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसके अकॉर्डिंग ये प्रावधान किया गया था हमारे देश में कि भाई 50 माइक्रोन से जो पतली प्लास्टिक की पॉलीथीन की बैग वगैरह है उनको, मतलब
प्रोड्यूसर उन्हीं किया जाए। मतलब सीधा सीधा ये था कि 50 माइक्रोन से जो मोटी प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं, इवन जो पॉलीथीन के बैग वगैरह उनको भी बड़े बैगों में जनरेट किया जाए। उसका फायदा ये होगा कि उनको रिसाइकिल भी किया जा सकता है और वो काफी लंबे टाइम तक उनको रीयूज के फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो ये रूल है वो लेके आ गए थे, बट डायरेक्टर कह रहे हैं कि अभी तक इस रूल को प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देखा जाए तो केवल एक तरीके से 20 स्टेट है हमारे देश के, उन्होंने केवल एक तरीके से मतलब अलर्ट या बोल सकते हो आपकी नोटिफिकेशन लेके आए हैं सामने कि भाई वो प्लास्टिक को बंद करें, बट अभी भी प्रॉपर ढंग से डिसीजन है वो नहीं लेके आए गए हैं। तो राइटर का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो भी रूल वगैरह बना रही है उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, और सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी जनता को इस चीज़ के बारे में पता है वो रहेगा। इसके बाद में बात की जा रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। राइटर कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, उसको भी काफी सारे स्टेप हैं उठाने होंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल वो कह तो देता है कि भाई प्लास्टिक को कम करो, प्लास्टिक को ऐसे यूज करो, बट उसके लिए मैकेनिज्म सही ढंग से नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्लास्टिक जनरेट होता है तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए ना तो जगह जगह पे फैक्ट्रीज वगैरह है, ना ही उसको कलेक्ट करने के लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म है जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट जो कचरा वगैरह होता है उसको शहरों में गाड़ियां होती हैं जो म्यूनसिपालिटी वगैरह की, वो उन कचरे को एकत्रित करती हैं, उस तरीके से प्लास्टिक को एकत्रित करने का कोई प्रॉपर प्रावधान है वो नहीं है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक है उसका लिमिटेड यूज है वो अलाउ किया गया हमारे देश में। किस प्रकार? जैसे कि जो मिल्क की पैकिंग वगैरह हो गई, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट और हो गए, इसका जो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट हो गए, या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह है जहाँ पे प्लास्टिक की जरूरत होती है उन वाले एरिया में प्लास्टिक का यूज है वो अलाउ किया गया लिमिटेड एरिया में। बाकी प्लास्टिक को पूरे देश से ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि प्लास्टिक है वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है और उससे हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है और जो बाकी इकोसिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान है, वो फैलता रहता है, इकोसिस्टम को भी नुकसान है वो होता रहता है। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो ग्राउंड लेवल पे काम है ना वो करना चाहिए, क्योंकि अभी दिक्कत क्या हो रही है कि गवर्नमेंट अब ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करी है। गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना दिए टेढ़े मेढ़े, बट उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करी है। तो अभी जरूरत इस चीज़ की है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई थी उसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई जो नए वाले, उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। मतलब उनमें ट्रांसपेरेंसी हो और ऐसा नहीं हो कि उनका मिसयूज वगैरह, उनके लिए क्लियर दंड वगैरह का प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग इस तरीके से प्लास्टिक का वेस्ट है उसको इधर उधर फेंके ना। इसके साथ ही राइटर के द्वारा एक केस स्टडी बताई गई है, वो बताई गई है मेनली कनाडा की। कनाडा की केस स्टडी में ये बताया गया है कि देखो भाई वहाँ पे सिस्टम किया गया है कि प्लास्टिक को अगर आप लोग एकत्रित करके और जो भी मतलब वहाँ पे प्लास्टिक सेंटर खोले गए हैं जगह जगह पे कंपनीज के द्वारा, उन सेंटर पे अगर आप प्लास्टिक को वापस जमा करवाते हो या सबमिट करते हो वहाँ पे, तो आपको या तो पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा उसके बदले में, या फिर आपको वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वो दिया जाता है। तो राइटर का कहना है कि भाई इसी तरीके का इनिशिएटिव वो इंडिया में स्टार्ट करना चाहिए। अभी देखो काफ़ी बार कई लोग चाहते हैं कि यार चलो प्लास्टिक को यूज़ ना करें, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या फिर वो रिसाइकल करने के लिए चाहें तो उनके पास प्रॉपर एक तरीके से सेंटर नहीं होते जहाँ पे वो प्लास्टिक को सबमिट करवा सकें। तो राइटर का कहना है कि हमारे देश की गवर्नमेंट को भी इस तरह के कनाडा की जो मैकेनिज्म है, कनाडा का जो प्रक्रिया है, उसकी तरह ही रूल रेगुलेशन या जो एक्टिविटीज है उसको करना चाहिए। इसके बाद में बात की जा रही है, एक पॉइंट ये दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि देखो जो भी कंपनी प्लास्टिक जनरेट कर रही है ना उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई वो अपने प्लास्टिक को रिसाइकिल है वो रीयूज है वो करवाए। रिसाइकिल का मतलब यहाँ पे कि जो भी जैसे कोई भी एक कंपनी है तो अगर उसने भी कोई पॉलीथीन बनाई है तो उसके ऊपर अपने वो लोगो वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ डाले ताकि लोग उस पॉलीबैग को मतलब वापस सबमिट कर दें और उसको रिसाइकिल वगैरह किया जा सके, और ये जिम्मेदारी कंपनी की होनी चाहिए कि भाई उसको रिसाइकिल करना है। लोगों को इस तरीके के इंसेंटिव वगैरह देने चाहिए कंपनी को कि भाई आप अगर वापस प्लास्टिक के बैग जमा करोगे तो हम आपको 50 मतलब कुछ भी कि हम आपको सब्सिडी वगैरह देंगे या कोई ऑफर देंगे या फिर दोबारा जो कोई नए प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर हम आपको डिस्काउंट वगैरह देंगे। इस तरह की अट्रैक्टिव स्कीम लेके आनी चाहिए ताकि प्लास्टिक का यूज है उसको कम किया जा सके और लोग जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको जनरेट होने से रोकें। आजकल होता क्या है, अदरवाइज लोग मार्केट से प्लास्टिक के बैग में सामान लाते हैं फिर प्लास्टिक को फेंक देते हैं, तो उसको फेंकने से बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि भाई हमें रीयूज करना होगा। तो रीयूज करने के लिए जो कंपनीज है उनको प्रमोट करना चाहिए, कंपनीज को ऐसी मैकेनिज्म लेके आनी चाहिए ताकि लोग भी उसको जानबूझ के रीयूज करें, मतलब ऐसा नहीं कि लोग उसको फेंकते रहें, क्योंकि लोगों को भी फायदा दिखेगा तो लोग भी अपने बेनिफिट की तरफ काम है वो करेंगे। तो ये यहाँ पे इस आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट है वो बताए गए हैं। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल है वो मेनली यहाँ पे बताया गया है सीरिया के बारे में। तो इस आर्टिकल में बेसिक सी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या आप दे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सीरिया में बीच चल क्या रहा है और पहले स्टार्ट क्या हुआ था वहाँ पे सीरियन वार वगैरह की सारी स्टोरी। इस आर्टिकल मेनली बताया गया है वो देखा गया कि सीरिया के अंदर जो ईरान और रशिया का फैक्टर किस तरीके से वहाँ पे इफेक्ट है वो कर रहा है। तो देखो अभी आपको बता दूं कि सीरिया के अंदर अभी असद का रूल है, वहाँ पे असद की गवर्नमेंट है, बशर अल असद का रूल है 2015 में। तो उस टाइम पे उनकी गवर्नमेंट है वो खतरे में आ गई थी क्योंकि वहाँ पे आईएसआई जो इस्लामिक स्टेट है उसका दबदबा बढ़ने लग गया था। तो ऐसे मौके पे रशिया ने वहाँ पे हेल्प है वो की,
आपको पता ही है कि रशिया उस वाले एरिया में काफी डोमिनेंट अपना प्रभाव जमाना चाहता था, और इसीलिए रशिया ने उस वाले एरिया में मतलब अपना हस्तक्षेप है वो किया। और उसकी वजह से हुआ क्या, जो वहां की सीरिया की लोकल गवर्नमेंट या जो वहां की लोकल फोर्स है जिसका नाम असद है, उसके पास पावर है, वो बनी रही। मतलब हुआ ये कि आईएसआईएस को कुछ हद तक उन्होंने लगाम लगा के रखा, और आज टाइम ये हो गया कि जो मैक्सिमम एरिया है वो असद रेजिम या असद गवर्नमेंट के पास है। इसके साथ ही वहां पे रशिया ने तो काम क्या किया सीरिया में, वहां पे जो ईरान है उसने भी काम किया। ईरान का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला ने भी सीरिया की काफी हेल्प की और इस्लामिक स्टेट को काफी हद तक भगाने में हेल्प है वो की थी। यहाँ पे मेनली जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस किया गया है। अब देखो राइटर का कहना है कि भाई आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सीरिया के अंदर ऐसा माहौल बन रहा था, वहां पे आईएस का दबदबा बढ़ रहा था, तो रशिया को क्या लेना था, रशिया अपने काम में मस्त रहता। देखो बात ऐसी है, आपको पता है कि जब 1991 के टाइम पे यूएसएसआर और डिसइंटीग्रेट हुआ था, उस टाइम पे यूएसएसआर को लगा कि यार हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी प्रतिष्ठा है ना, वो कम हो गई है। तो यूएसएसआर ने सोचा कि जिस तरीके से यूएसए अपना लीड रोल निभाता है अपने आसपास के देशों में, उस तरीके से हमें भी हमारे एशियन एरियाज में हमें अपना दबदबा है वो बना के रखना चाहिए, और हमारी वैल्यू वो बना के रखनी चाहिए, मतलब प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। इसलिए यूएसएसआर ने अपनी इमेज को पाने के लिए, वहां पे नेवल बेस बनाने के लिए सीरिया के अंदर एक तरीके से अपना अपना जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि अपना रोल है वो वहां पे बढ़ाया। अब बात आती है ईरान की। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ईरान और सीरिया दोनों स्टार्टिंग में मिलकर वहां पे साथ है, और ईरान का जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है उसने भी काफी हद तक वहां पे काम किया। इसके साथ दूसरी बात ये थी कि देखो सीरिया के जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उसमें मेनली एक कंट्री आती है, वो आती है सऊदी अरब। और सऊदी अरब एक्चुअली आपको पता है कि सुन्नी बहुल कंट्री है, और ईरान है वो है सिया बहुल कंट्री। और आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब के दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है बनती, मतलब 36 का आंकड़ा एक तरीके से कह सकते हो। इसलिए ईरान को ऐसे डर था कि कहीं यार अगर सऊदी अरब अगर इस मामले में आ गया तो मतलब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए ईरान ने सिया बहुल कंट्री अपनी वैल्यू बनाए रखते हुए क्या किया कि सीरिया के अंदर अपना हस्तक्षेप है वो डायरेक्टली कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए। और ये चीज भी आप जानते हो, शायद मैंने काफी बार आपको बताई है कि इजराइल है और सऊदी अरब है, उन दोनों के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हैं, मतलब इजराइल की भी ईरान के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। और जो ईरान अभी न्यूक्लियर डील जो कैंसिल की गई थी ट्रंप के द्वारा, उसमें भी कुछ हद तक देखा जाए तो इसराइल का बहुत बड़ा हाथ था, मतलब इसराइल की हेल्प से ही इसराइल ने काफी ऐसी चीजें सामने पेश ला के दी, उसकी वजह से ईरान न्यूक्लियर ड्यूल वो कैंसिल की गई थी। तो मतलब ईरान के साथ रिलेशन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे इसराइल के। ये वहां पे रिसेंटली माहौल मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या, आजकल कुछ वहां पे थोड़ी जियो पॉलिटिक्स वो चेंज हो रही है। किस तरीके से, देखो स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया ना कि सीरिया में ईरान और रशिया दोनों मिलकर एक साथ आ रहे थे, बट आजकल हो क्या रहा है कि रशिया एक न्यूट्रल अप्रोच बना रहा है। मतलब रशिया है वो आजकल सऊदी अरब जो सॉरी रशिया है वो आजकल ईरान का इतना फेवर नहीं कर रहा है, ईरान के प्रति न्यूट्रल है। किस प्रकार, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली जो ईरान के जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे हिजबुल्ला वगैरह, इन्होंने सीरिया के अंदर काफी जगह पे अटैक वगैरह किए। उस दौरान देखा जाए तो इसराइल की जो एयरफोर्स वगैरह थी, उन्होंने ईरान की एयरफोर्स वगैरह पे, ईरान के जो संगठन लगे थे हिजबुल्ला, इस पे अटैक है वो किया। और इस दौरान जो रशिया की फोर्स थी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अदरवाइज देखा जाए तो रशिया और ईरान दोनों साथ आए थे सीरिया में, तो इसलिए देखा जाए तो एक तरीके से रशिया को हेल्प करनी चाहिए थी ईरान की, बट ऐसा नहीं किया। यहाँ पे मतलब रशिया वो न्यूट्रल रहा, तो उस चीज को लेकर वहां पे देखा ये चीज सामने आ रही है कि भाई रशिया और ईरान के बीच में थोड़ी खटास है वो पैदा हो रही है। कुछ लोगों के द्वारा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भाई रसिया है वो अपने रिलेशन रसिया है जो अपने रिलेशन है वो एक्चुअली इसराइल के साथ इम्प्रूव करना चाहता है, या अपने रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसलिए वो इस तरीके के हाथकंडे है वो अपना रहा है। मतलब कि वो ईरान के प्रति एक न्यूट्रल अप्रोच है वो अपना रहा है। तो राइटर का ये कहना है कि जो यूएसएसआर जो अपनी ग्लोरी है, अपनी जो प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए जो इस तरह के काम कर रहा है वो बात अच्छी है, बट रशिया को ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई इस वाले एरिया में कोई भी मतलब इलीगल कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना हो जिससे कि आसपास के एरियाज को भी नुकसान हो। इसलिए ईरान की बातों पर भी फोकस करना चाहिए और इस तरह की अप्रोच लेके आनी चाहिए ताकि किसी को भी कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो ये सारे पॉइंट इस आर्टिकल में यहाँ पे बताए गए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है केस स्टडिया में आप बोल सकते हो एथिकल इश्यूज के बारे में, तमिलनाडु और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। तो इसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो अभी आपको थोड़ा कंटेक्स्ट बताता हूँ बैकग्राउंड के साथ। सीन अभी कुछ यूँ हुआ था कि तमिलनाडु के अंदर जो ऑर्गन प्लांट का एक केस सामने आया था कि भाई जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला है वो फॉरेनर्स को ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बजाय इंडियंस के, मतलब कि वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह का काम वगैरह कर रहे हैं। तो उस बात को लेकर एक केस स्टडी या एथिकल इश्यू बन जाता है। उसमें थोड़ा डाटा दिया गया स्टार्टिंग में कि याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई लगभग देखा जाए तो 25% जो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं वो मेनली फॉरेनर्स को होते हैं तमिलनाडु वाले एरिया में। इसके साथ जो 35% जो लंग्स का ट्रांसफर होता है वो भी फॉरेनर्स को ही होता है।
तो अभी देखो एथिकल इश्यू या एक इश्यू सामने ये आता है कि भाई जब इंडिया के लोग ही टैक्स पे करते हैं और इंडिया के लोग ही डोनर हैं, तो ऐसे मामले में जो फॉरेनर्स हैं उनको प्राथमिकता क्यों दी जाती है? अगर पैसे के लिए ही आप इस तरीके का काम करो तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में इस चीज के बारे में क्लियर रखा गया है कि भाई कोई भी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है उसको एक तरीके से पैसों में खरीदा है बेचा नहीं जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे संविधान के भी खिलाफ हो रहा है। इसके साथ देखा जाए तो जो प्रायोरिटी की बात की जा रही है वो हमारे देश के लोगों को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है ज्यादा पैसों के लिए। इसके बाद में एक चीज सामने ही आती है कि देखो तमिलनाडु है वो एक बहुत, तमिलनाडु ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में बहुत अच्छे काम किए। कैसे? क्योंकि तो तमिलनाडु ने वहाँ पे गरीब लोगों को जो लीवर वगैरह ट्रांसप्लांट करने के लिए काफी सब्सिडी वगैरह है वो प्रोवाइड कराई जाती है, या वहाँ पे जिसकी बात से लोगों का ब्रेन डेड वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में ऑर्गन मतलब डोनेट करने के लिए भी काफी सारी स्कीम्स वगैरह चला रखी हैं, ताकि जो ऑर्गन डोनेट करते हैं जो फैमिली के लोग उनको भी मतलब इतनी से बारे में अवेयर वगैरह करवाए जा सके, उनको बेनिफिट्स वगैरह सब बताया जाए। मतलब देखा जाए तो हमारे देश में तमिलनाडु वो काफी एक तरीके से लीड रोल वो निभा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में। बट अगर वहीं देखा जाए तो अभी ऐसा केस सामने आ रहा है कि भाई वो पैसों के लिए मतलब फॉरेनर्स को ज्यादा प्रायोरिटी वो दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज सामने लेके आ रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गलत मेंटेबिलिटी को शो कर रहा है। तो इसलिए राइटर का ऐसा कहना है कि भाई इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए कि मामला है क्या, अगर मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन होने चाहिए। और बात की जा रही है कि टैक्स पेयर की, तो जो लोग यहाँ पे टैक्स पेयर करें तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली उनको देनी चाहिए। इसके साथ ही राइटर का कहना है कि भाई जो पारदर्शिता है जो ट्रांसपेरेंसी वो बनी रहनी चाहिए, लोगों के बीच में कोई भी असंदिग्धता वगैरह नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, लोगों को ऐसा लगेगा कि यार हमारे जो हमने अगर कोई भी बॉडी का पार्ट अगर डोनेट किया है ऑर्गन वगैरह तो उसका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन होगा नहीं, वो लोग हैं वो मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह वो पैसों के चक्कर में बेच देंगे, इसलिए वो करेंगे क्या, नेक्स्ट टाइम से वो मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो जो अगर कोई भी पर्सन है वो बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह है वो एक तरह से डोनेट वो नहीं कर पाएगा। तो राइटर का कहना है कि भाई इस मामले में जांच होके सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि आखिर इश्यू है क्या। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद में एक बात यहाँ पे जो अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल हमने देखा था कि ट्रम्प कोरिया, तो मैंने आपको बता दिया बेसिक पॉइंट। बस कोरियन पेनिनसुला का आपको ध्यान रखना, लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेती है, तो वो हमने यहाँ पे मैंने देख लिया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया और नेबरहुड रिलेशन की बात पे किया जा रहा है। इस आर्टिकल में देखो ये बताया जा रहा है कि इंडिया और नेबरहुड रिलेशन में मेनली डिस्कस किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सेंट्रल एशिया। तो देखो कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले बताना कि भाई सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। मेनली सेंट्रल एशिया की देखो जो कंट्रीज है ना वो एक्चुअली स्टार्टिंग में यूएसएसआर का ही एक पार्ट थी, बट जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991-92 के टाइम पे, उस टाइम पे वो एक तरीके से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो हो गई थी। अब राइटर बता रहे हैं कि देखो जब 19वीं शताब्दी का एंड था और 20वीं शताब्दी की जो स्टार्टिंग थी, उस टाइम पे रसिया का एक दबदबा था एशिया वाले एरिया में, इसके साथ ही एक वेस्टर्न कंट्रीज में दबदबा था वो था ब्रिटिश एम्पायर का। मतलब उस टाइम पे दो एम्पायर थे मेनली, एक तो रशियन एम्पायर था एक था ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश एम्पायर को भाई ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि यार अगर रशियन एम्पायर ने अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया, देखो अफगानिस्तान उस टाइम पे सेंट्रल एशिया में नहीं था, अगर अफगानिस्तान पे रशिया ने कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि रशिया के थ्रू हो सॉरी अफगानिस्तान के हो सॉरी सॉरी ब्रिटिश एम्पायर को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर रशियन एम्पायर ने अफगानिस्तान पे मतलब कब्जा कर लिया उसके बाद होगा क्या, अफगानिस्तान के थ्रू वो इंडिया पे भी कब्जा कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान सेम ही मतलब एक ही कंट्री थे, इंडिया ही थी। तो ऐसे माहौल में हो ये रहा था कि ब्रिटिश को थोड़ा खतरा वो लग रहा था, इसलिए ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि भाई किसी भी हालत में अफगानिस्तान पे अटैक हो। इसलिए देखा जाए तो सीन ऐसा हो गया था कि अफगानिस्तान एक बफर जोन बन गया था। मतलब अफगानिस्तान बफर जोन किस किस के बीच में बन गया था, इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। इसके बाद में देखो ये सीन है वो चल रहा था। अब बात की जा रही है अफगानिस्तान के बाद कि भाई अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया पे अगर अटैक कर लेंगे तो इंडिया है वो यूएसएसआर के कब्जे में हो जाएगा, और ऐसा ब्रिटिश एम्पायर बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये तो थोड़ा मैंने आपको बताया बैकग्राउंड। इसके बाद बात की जाती है जब 1992 के टाइम पे जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उस टाइम पे फिर एक बार अगेन एक से ग्रेट वार है वो छिड़ गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखो सीन ऐसा हो गया था कि सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान वाले एरिया में क्या कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो सभी कंट्रीज को आपको आपको पता है कि आज के टाइम पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए रिसोर्सेज की मारामारी के चक्कर में सेंट्रल एशिया पे सभी कंट्रीज ने अटैक करना शुरू कर दिया। ये सारा सीन यहाँ पे आता है। अब देखो रिसेंटली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग है वो हुई थी, समिट है वो हुआ था चाइना के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि चाइना की कौन सी सिटी में एससीओ का समिट है वो हुआ था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने पहली बार, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं, और इन्होंने पहली बार जो समिट है उसमें अटेंडेंट पहली बार मतलब उन्होंने अपनी प्रेजेंटेंस है वो यहाँ पे निभाई है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। अब
कुछ लोगों के द्वारा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन दोनों के बीच में एक तरह से जंग सी छिड़ गई है सेंट्रल एशिया को लेते हुए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज पाने के लिए सेंट्रल एशिया पे मतलब अपनी निगाहें गड़ा के रखे हुए हैं, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज भी शामिल हैं। अब राइटर बता रहे हैं कि देखो इंडिया के जो रिलेशंस की बात की जा रही है सेंट्रल एशिया के साथ वो तो पहले से बहुत स्ट्रांग है। आप एग्जांपल ले सकते हो जब कुषाण आए थे उनके टाइम से कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया पे हमला अटैक किया था और उन्होंने इंडिया में रूल किया था, तो कल्चर रिलेशन भी इंडिया के साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बात की जाती है जब मुगल आए थे उन्होंने भी एक तरीके से काफी अहम रोल है वो निभाया इस वाले एरिया में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कल्चर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अफगानिस्तान वाले और सेंट्रल एशिया वाले एरिया के साथ। इसके साथ बात की जा रही है कि भाई अगर अगर इंडिया SCO का बेनिफिट उठाना चाहे तो उसको काफी हद तक बेनिफिट हो सकता है। क्यों? एक तो देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी शांति स्थापित करने में अहम फायदा होगा, इसके साथ ही इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि SCO में जब भी समिट वगैरह जब भी मीटिंग होगी तो इसके थ्रू बातचीत करते हुए रिलेशंस में एक तरीके से जो भी तल्खी है उसको दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे राइटर के द्वारा जिक्र की है वो की गई है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। देखो इंडिया की एक पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जिसका मेन मोटो यह है कि भाई सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशन है वो इंप्रूव किया जा सके, और जो चाबहार पोर्ट बनाया गया है ईरान में वो भी कहने की सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। और बात चीज दी है कि इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशन है वो अभी तक ठीक ठाक है और अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कोई तलखी वगैरह इतनी ज्यादा है नहीं, रिलेशन जो पहले से चले आ रहे हैं वैसे ही रिलेशन आगे चल रहे हैं। और जो चाबहार पोर्ट है वो भी एक तरीके से एक विकल्प ही है सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्टली तो अभी इंडिया की एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो POK से कनेक्टेड है, इसलिए POK वाले एरिया की वजह से हमें थोड़ी दिक्कत है, वो उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। जो भी आपसे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे प्लीज पूछ सके हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर है वो जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।